सो गुड मॉर्निंग नाथरंग डे टू जहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग। और हम लोग दोनों के पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे हैं क्योंकि पानी से डर भी लगता है और स्विमिंग आती नहीं है। स्कूबा डाइविंग के लिए स्विमिंग आना जरूरी नहीं है बाय द वे, वो लोग तुमको थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे कि अंदर जाके सांस कैसे लेना है। बट मुझे डर ये लग रहा है कि पानी में जाके सांस कैसे लेना है। और आज मॉर्निंग में वो ये बोलते हैं इशू आज ना आपको कुछ और कर लेते हैं गोवा में कर लेंगे। हाँ। तो मैंने बोली और पैसे जो दिए उसका तो बोलते वो कमा लेंगे। हम भी बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, ये कॉफी लवर्स के लिए हेवन है। यू गेट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी और इनकी कॉफी बड़ी स्ट्रांग होती है जो कि आपकी नींद उड़ा देगी, एकदम फ्रेश फील करा देती है। एक तो आपकी नींद उड़ा देगी और दूसरा सुबह सुबह आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, प्रेशर अच्छा आता है, ये सबको पता है। हाँ, मतलब मैंने सोचा बता दूं लोगों को। सो हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए निकल चुके हैं और यहाँ हमारा पहला स्टॉप है। यहाँ से हम लोग कहीं और जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा टूर गाइड है उसने कहा है यही रुको कहीं मत जाओ, और वो हमारे लिए बोट का अरेंजमेंट कर रहा है। आई थिंक ये वाली बोट होने वाली है हमारी क्योंकि उसी में हमारा टूर गाइड है। और ये मैं हूँ यार, ये एक्चुअली में जिंदगी मिलेगी ना दोबारा वाला जो सीन है ना वैसा फील हो रहा है कि मतलब दिल दुख दुख कर रहा है हम लोग दोनों का। डर भी लग रहा है लेकिन करना भी है, करना है। जब हम लोग किसी भी डर को बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं तो वो चीज उतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। बिना ज्यादा सोचे कूद पड़ो पानी में, बिना ज्यादा सोचे जो बोल रहा है ना कर लेते हैं। यार ये वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है यार उतना ही बढ़ते जा रहा है, लेकिन नहीं करना नहीं है, बस कूदना है, कूदना है, एकदम कूदना है। वो जब बताएगा उसके बाद कूदना है, वरना पता चला इशू कूद 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 इशू कूद गई। तो ये वाले जैकेट से जो हम लोग पहनने वाले हैं, माय गॉड, मतलब इसको देख करके ही ना अलग सा फील हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रेंड? फैंटास्टिक कि मैं 4 फीट से ज्यादा नीचे स्विमिंग पूल में नहीं गया और मुझे स्विमिंग से थोड़ी हैबत यानी डर सा लगता है, उसके बावजूद पानी आ गया ना तो मुंह से सांस लेना, इसको पैक रखना, ऐसा दबा के रखना और नाक से छोड़ देना। अगर नाक से छोड़ेगी ना तो हवा के साथ में पानी भी चला जाएगा। यार सच में डर लग रहा है। We have problem. What we have problem? You know, you got to say, you got to apply. We got to hide. एकदम हो रहा है काम। अच्छी इंग्लिश कैसे समझ रही है? अरे मेरे को समझ रही है, देखो ना। हाँ। देखो क्यों नहीं समझ रही, नॉर्मल से बोल रहा है। हाँ। तो नाक ऐसा पकड़ के कान से धुआं छोड़ना तो कान का दर्द निकल जाएगा, ये तो नॉर्मल है। One, go up. Up. Go up. Yes. This one go down. Go down. Yeah. अगर तुझको स्टार्टिंग में ही डर लगा ना तो बोल दे ऊपर। हाँ। तो ये तेरे को अंदर लेके नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ। अगर तेरे को कंफर्टेबल है कि डाउन तो ये तेरे को और नीचे लेके जाएगा। अच्छा। गुड गुड, हिंदी मीडियम। सो मैं और ईशु रेडी हैं फ्रेंड्स के साथ में, लेट्स गो वॉच फ्रेंड्स, लेट मी शो यू। और मैं भी बहुत ज्यादा डरी डरी हूँ क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। और ऐसे मौके पे मुझे एक गाना याद आ रहा है की वजह से मैं फंबल भी कर रही हूँ। ऐसे मौके पे मुझे एक गाना याद आ रहा है कि है फटी फटी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे पहले हमको ये इंस्ट्रक्शंस देंगे, पहले इशू जाएगी, फिर मैं जाऊंगा, फिर हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। अब यहाँ से कैमरा मैं बैग में डाल दूंगा क्योंकि इसके आगे की शूटिंग में कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सब सामान छोड़ के जाना है। सो लेट्स सी मैं जो फुटेजेस हैं कैसे निकालता हूँ, बिकॉज मुझे तो वो फुटेजेस चाहिए ही चाहिए। Thank you.
ग्रेट एक्सपीरियंस। 3D में हमने कोरल्स देखे हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर फिशेस होती है उन लोग अपना घर बनाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और मूवीज में, टीवी में, रियल में देखना, उसे छूना, उसके बीच में घूमना, मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला कि भाई मुझे नहीं करना है, इट इज ओके, मुझे वापस से आप बोट पे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है, इट इज ओके, आप इशू को लेकर के जाओ। बट उसने गिव अप नहीं किया, इंस्ट्रक्टर ने गिव अप नहीं किया, तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया, वो फॉलो करने के बाद में मैंने मेरा स्कूबा डाइविंग कंप्लीट किया। इशू को देखो स्नॉर्कलिंग कर रही है, यानी कि उसने चश्मा पहना है और वो मुंह से सांस ले रही है और नीचे के जो मतलब समुद्र के नीचे जो कोरल्स हैं उसे देख रही है वो। तो इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, उसको स्विमिंग नहीं आती है बाय द वे, बट शी इज अ ब्रेव गर्ल। बहुत 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 तुमको आना चाहिए था सच में, बहुत मजा आया। तो हम लोग वहाँ पे तो देखे थे जो किसी के सपोर्ट के साथ है ना, हाँ। इधर खुद से देखने को मिली ब्लू कलर की फिश, ब्लैक कलर की फिश, ऑरेंज नीमो, बहुत मजा आई, तुमको आना चाहिए था। हाउ वाज द सेकंड वन सर? सेकंड स्नॉर्कलिंग वाज गुड, फर्स्ट टाइम जो किया ना उसको अच्छा लगा। यू यू हैव सीन द बेस्ट, शी हैव ऑलरेडी गॉन फॉर थाईलैंड, सो शी नो व्हाट इज बेस्ट, सो शी डिडंट लाइक, बट फॉर अस इट वाज फर्स्ट टाइम, सो वी लाइक्ड इट। लंच के टाइम पे हम लोग यहाँ पे बैठे, हमको मिला है स्टिकी राइस, ऑमलेट, सॉसेस और पता नहीं क्या आने वाला है। बाकी यहाँ पे नॉन वेज में वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, प्रॉन्स, फिश और पता नहीं ये टेस्ट है, शायद ट्राई एंड लेट अस नो। He was the man. He made me do scuba diving. वरना मैंने तो skip कर दिया था। So हमारे लिए veg item आया है। What is this? Tofu, पनीर का भाई। And noodles. ये वाले noodles हम लोगों को try करने थे। बहुत अच्छे लगे noodles. Omelette, sticky rice and something is coming. जब तक sticky rice निकालो। तो हम लोग यहाँ की मच्छी क्यों नहीं खा रहे, इसको बताओ। देखो अभी अपने को मच्छी खा के आदत है, झींगा अच्छे वाले, पापलेट, सुरमई, बांगड़ा, सितारा, ये सब चीजें। अभी यहाँ पे जो फिश है, ये लोग फार्मिंग वाली फिश खिला रहे हैं और फिश का नाम भी नहीं पता, एलिफेंट फिश, टाइगर फिश, ऐसे। तो फिश के साथ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इसलिए हम लोग वेज खा रहे हैं। तो ये चावल है और ये है, समझ लो इसे दाल समझ लो, ठीक है। और मेरी माँ जब ये वीडियो देखेगी ना, माय मदर व्हेन शी विल सी, शी विल शाउट एट मी बिकॉज एट होम आई नेवर ईट, नाउ हियर आई एम ईटिंग। मामा नमस्ते, 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 मम्मी तेरे को नमस्ते कर रहे हैं। ये होटल में ये रह रहे हैं और अभी अभी इन्होंने बताया कि इस होटल के एकदम टॉप पे एक स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल में कोई भी जा सकता है। अगर आप इस होटल में नहीं भी रुके हो तो भी आप इसमें जा सकते हो, उसके लिए चार्जेस हैं तम जो पे करना उन्हें। और यहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, मेरे को ये बहुत एक्साइटिंग लगा कि मतलब इस स्विमिंग पूल में नहाने का अलग ही थ्रिल है। इस बार अच्छी बात क्या हुई पता है, इस बार ना मैं लोगों से कम बात कर रहा हूँ, इशू सब लोगों से इतना बात कर रही है कि मैं चुपचाप खड़ा हूँ। मतलब जितने फॉरेनर्स मिल रहे हैं सबसे बात कौन कर रहा है, इशू, और मैं साइड में खड़ा हूँ। हाँ मतलब चल हो गया इसका बात करके, हो गया बात करके, अच्छा ठीक है। एक तो वो बेचारा रशिया से आया है, इतनी वहाँ की दंगेबाजी हो रही है, वो रशिया नहीं जा सकता, इसलिए वो अलग अलग कंट्रीज में रह रहा है, जहाँ जहाँ उसको वीजा मिल रहा है एक महीने का, 25 दिन का। He's so upset, वो अपनी फैमिली को छोड़ के भटक रहा है जगह जगह, और बात कर लूँगा उसको अच्छा फील होगा ना। चल अभी हम लोग ने बहुत अच्छा
स्कूबा डाइव किया, खाना खा लिया है, अब हम लोग हमारे रूम पे वापस आ चुके हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। शाम की हमारी ट्रेन है और हम जा रहे हैं दानार। शाम मतलब रात को 11 बजे, तो उसके पहले हमारे पास बहुत टाइम है, पूरी इवनिंग बची है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद शायद हम वापस बीच पे जाएंगे, है ना? यस यस, चलो। तो जब हम सो के उठे, हमारा बिल्कुल मन नहीं था नीचे उतरने का, हमारा नहीं, मेरा था, मैंने उठाया, मैं बोले चलो नीचे जाते हैं, तो ही वाज लाइक नहीं, कि जब हमने विंडो से ये ब्यूटीफुल सा व्यू देखा, फटाफट 2 मिनट हम आ गए। जैसे ही ये देखा कि काइट हम लोग सामने आसमान में उड़ रही है, हम लोगों को हार्डली 5 मिनट लगा है रेडी होने के लिए। आज संडे है और सारे वियतनामी संडे को अपने अपने घर से निकले हैं, बच्चे, बीवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ में। एंड हो रहा डोरेमोन, फिर उसके पीछे है नोबिता, फिर उसके पीछे है शिसुका, एंड उसके पीछे इतना बड़ा ऑक्टोपस, सबसे ऊपर वो ऑरेंज वाला उसके भैया कान बाकी है उसके, हाँ कान हाउ मच पैसा? 20,000 20 वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी वेरी कूल प्लेस जिसका नाम है वंदना एंड टैमरिंड। तो आज हमने यहाँ पे, हमें चाइनीज खाने का दिल था, बट यहाँ का जो चाइनीज होता है वियतनामीज वो अलग होता है, तो आज हम लोगों ने यहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट में चाइनीज ऑर्डर किया है। तो हम लोग ने ऑर्डर किया है वेज फ्राइड राइस एंड चिल्ली पनीर। तो अभी हम लोग खाना खा करके बताएंगे कि खाना कैसा था, क्योंकि जहाँ तक कॉन्फिडेंस तो है कि भाई खाना अच्छा ही होगा। पनीर चिल्ली वेज फ्राइड राइस, मैं अपने आपको सर्व कर लूँ प्लीज। और हम लोग को बहुत भूख लगी है और हम लोग को अभी निकल के ट्रेन पे भी जाना है, इसलिए हम लोग आज जल्दी खाना खा रहे हैं, ट्रेन पकड़नी है। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। God, this is the easiest shot in the world. Please support me. No way! And we win the match, my friend. We win. Let me show you. We are the winner. We are the winner. Yes. Oh, fantastic. Thank you so much. And now we have a train to go. Yeah. So everyone, bye bye. तो गाइज हम लोग दिखाते हैं कि हमारी ट्रैवलिंग कैसे होती है। तो इशू ने पहना है छोटा सा रेड बैग, पीछे घूमना इशू, और ये बड़ा वाला बैग, और मेरे पीछे है एक ब्लैक कलर का बैग है, एंड सामने ये पाउच है, एंड वी हैव अ ट्रॉली। चलो इशू जल्दी से लेट हो रहा है। तो ये हमारी ट्रैवलिंग के लिए इतना सारा सामान है, और अब हम लोग जा रहे हैं, हमने टैक्सी बुक कर दी। माई गॉड, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी आई है हमें लेने के लिए, और रश्मि गाइज गाड़ी छोड़ो ड्राइवर को देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रिटी है यहाँ का। हाय माय फ्रेंड, हाय, थैंक यू सो मच। मतलब एक्चुअली ये ना, ये गरीबी की निशानी है कि हम यकीन नहीं कर सकते कि इतनी अच्छी सर्विस हमें मिल भी सकती है। सो हम लोग ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं, और हमको पता चला कि 1 घंटा पहले आ गए, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2। हर बार मैं घाई करता हूँ, इस बार इशू ने घाई की है, और 1 घंटा पहले आकर के हम लोग बैठे हैं। जरा उसका मुंह दिखाता हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझको उसके ऊपर, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता हूँ। इशू कितना टाइम है अभी ट्रेन को आने में? 1 घंटा। 1 घंटा है ना? हाँ। ओके, हम लोग 1 घंटे बाद जब ट्रेन में बैठेंगे तब दिखाता हूँ। तुमको अच्छे से पूल खेलने भी, अच्छे से खाना खाए, रूम पर रेस्ट। हाँ चल, चुप बैठ, बाय। ये 5 है, 11 12